अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसार व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मोहर्रम स्पेशल रोट। ये जो रोट है इसे दम का रोट भी कहा जाता है हैदराबाद में, और इसे औरंगाबाद में मोहर्रम आते हैं जब बनाते हैं इसे, और काफ़ी मुल्कों में इसे बनाते होंगे, मुंबई में बहुत कम देखा जाता है इसे। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना सॉफ्ट बना है, ये बिल्कुल नान खटाई के जैसा बिल्कुल, और कितना अच्छा बना है, टेस्टी। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक कप मैंने ये गेहूं का आटा ले ली हूँ, इसको हम अच्छे से इसमें भून लेंगे, स्लो आंच पे भूनेंगे इसको हम। एक चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे से भून लेंगे देसी घी में, जलाना नहीं है हमें, संभाल के चलाना है। स्लो आंच पे भूनेंगे। एक कप मैंने सूजी ले ली हूं, इसे भी हम भून लेंगे। एक चम्मच घी ऐड कर देंगे इसमें, और घी के साथ में हम अच्छे से भून लेंगे। इसे भी जलाना नहीं है, हल्के से स्लो आंच पे इसे भी भून लेना है। सूजी भी अच्छे से भून चुकी है और अच्छी खुशबू आ रही है, इसे भी अब हम निकाल लेंगे, उसी आटे में मिक्स करेंगे इसे भी। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। सूखा नारियल ले ली मैंने, ये भी आधा कप है, ये भी इसमें भून लेंगे। और ये ड्राई फ्रूट है, काजू है, बादाम है, चारुली है, पिस्ता है, खसखस है, ये सब भी इसके साथ में डाल के अच्छे से हम भून लेंगे। एक टेबल स्पून इसमें भी घी ऐड करेंगे और स्लो आंच पे इसे भी भून लेंगे। नारियल और ड्राई फ्रूट जो थे वो भी अच्छे से देखिए भून चुके हैं, अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे हम इसमें डाल लेंगे, आटे में मिक्स कर लेंगे और सूजी में जो है। अगर ड्राई फ्रूट आपको अक्के नहीं डालने हैं जैसे कटिंग करके बारीक, तो आप इसको मिक्सर करके भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनते हैं ये रोट्स। हल्का सा नमक ऐड करेंगे, नमक से टेस्ट अच्छा आता है मीठे का, इसके लिए मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अब भर के एक टेबल स्पून देसी घी, जितना देसी घी बचा है ये पूरा ऐड कर देंगे इसमें, दो टेबल स्पून कितना। और ये शक्कर की चाशनी बना के रखी थी मैंने, इसमें इलायची पाउडर ऐड करी हूँ मैंने कूट के। अगर आप चाहिए तो गुड़ का भी बना सकते हैं, बहुत से लोग गुड़ का भी बनाते हैं ये, तो मैं शक्कर की चाशनी से बना रही हूँ। अच्छे से मिला लेंगे। शक्कर पूरी ऐड कर देंगे जो चाशनी मैंने बना के रखी थी, 250 ग्राम की इतनी शक्कर थी ये। अब पानी लगेगा थोड़ा, तो पानी भी ऐड करेंगे इसमें। बहुत से लोग दूध से भी बनाते हैं, मगर दूध से ज्यादा दिन रख के हम इसे खा नहीं सकते हैं। अगर पानी से गूंदेंगे तो ये ज्यादा दिन रख के हम इसे खा सकते हैं, 10 से 20 दिन रख के इसे आराम से खा सकते हैं, दूध वाली खट्टी हो जाती है वो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे इसको। ये ऐसा लग रहा है इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, ये जब तक और फूल जाएगा। जितना टाइम रखेंगे ना उतना ये फूलता है और अच्छा टेस्ट आता है उसमें, अच्छा बनता है ये। देखिए आटा अच्छे से गुन गया हमारा रोट का, अब इसे हम रख देंगे 20 मिनट के लिए रेस्ट पे। आटे को 20 मिनट हो गए अच्छे से रेस्ट पे रखे हुए, ये देखिए। अब इसको मैं दो पार्ट में कर लूंगी और अच्छे से और मसल लेंगे हम इसको।
अब जितना बड़ा हमें बनाना है रोल हम उतना बड़ा ले लेंगे इसको। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। इसी तरीके से हम सब रोड बना लेंगे। थोड़ी सी चारुली ऐसे फैला लूंगी मैं, थोड़ी सी खसखस। इससे गार्निश करेंगे तो बहुत ही अच्छा डिजाइन अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से सभी हम इसी तरीके से बना लेंगे। इतनी अच्छी क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं रोड, आप लोग भी जरूर बना के इसे ट्राई करना। बहुत ही इजी है, देखें ना आपने किस तरीके से बनाया इसको। अच्छे से दबा लेंगे हम। इसी तरीके से सब रोड बना लेंगे। ये देखिए रोड बन के रेडी हो गए। अब इसे हम तवे पे सेक लेंगे। इसे अवन में भी सेक सकते हैं और बेकरी में भी सिकवाते हैं, मगर हम इसे तवे पे सेकेंगे, नॉन स्टिक तवे पे। चलिए अब हम इसे थोड़ा सा घी डाल के सेक लेंगे। स्लो आंच पे रख के सेकेंगे। इसको सेकना ही आराम से बिल्कुल स्लो आंच पे सिकता है, जल्दी सिक के तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने भून लिए थे ना तो कच्चा नहीं रहता है। तो इसके लिए इसे स्लो आंच पे और आराम आराम से सेकेंगे तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं ये। अब हम अच्छे से चेक कर लेंगे इसको, स्लोली करना, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं ना इसके लिए। देखिए माशाल्लाह से अच्छे सीख गए बिल्कुल, कोई ओवन की जरूरत नहीं पड़ी हमें। ये देखिए अच्छे से सीख गए ये हम। अब हम इसे निकाल लेंगे आराम आराम से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं ये, ध्यान से निकालना और दूर दूर रखना, एक के ऊपर एक नहीं रखना। इसे सभी को हम इसी तरीके से सेक लेंगे। मेरी एक फ्रेंड है औरंगाबाद की है वो, तो उन्होंने मुझसे कहा था आप भी जरूर बनाना इसे, तो इसलिए मैंने भी बनाई हूँ रोट को। तो आप लोग भी जरूर बना के इसे ट्राई करना मैंने किस तरीके से बनाई हूँ। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।